हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ अभी तक, और पूजा नव्या ने कर दी थी। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो गाइस, अभी मैं आ गई थी नाश्ता करने के बाद दवाई लेने के लिए। बस हॉस्पिटल के बाहर ही हैं, पहुँचने वाले रूटीन चेकअप। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत तेज़ है और मुझे सर में दर्द होने लग गया है। देखिए कितना अच्छा, शांत, बिल्कुल पीसफुल। तो अब मैं दवाई ले लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, दवाई मैंने ले ली है, बस अब चलते हैं घर। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हस्बैंड जी भी बेचारे परेशान हो गए। बस घर पहुँच के आपसे मिलते हैं ठंडे ठंडे पानी के साथ। तो गाइस, घर आ चुके हैं, पी रहे हैं ठंडा ठंडा पानी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस एसी ऑन कर रहे हैं। कहीं जल्दी से एसी ऑन करो। यहाँ पे पुलाव बनेंगे, आलू बड़ी एंड मटर डाल के, वो भी कढ़ाई में बना रही है नव्या। नव्या जल्दी से बना दे, भूख लग रही है। सब्जी तो रखी हुई है रात वाली, पर वो अभी नहीं खा रहे, पुलाव खाएंगे सब। पुलाव तो बहुत टेस्टी बने थे गाइस, मैं जल्दी नव्या से बोलूँगी एक बार दोबारा से बनाएं और रेसिपी शेयर करें। यहाँ बन रही है हस्बैंड जी के लिए रोटी, क्योंकि वो ज़्यादा चावल नहीं खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ही रोटी बनती है। सब्जी रात वाली ही थी और थोड़ी सी चटनी थी। जब ऐसे रोटी फूलती है तो बड़ा ही सुकून मिलता है। तो गाइज, अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, मैं सो गई थी लंच के बाद और अभी उठी हूँ। अब उठ के बनाते हैं हस्बैंड जी के लिए चाय, और मेरे लिए बना रही हूँ मैं रूह अफ़ज़ा का दूध। रूह अफ़ज़ा गाइस, ये देखिए, ये मार्केट वाला रूह अफ़ज़ा नहीं है, ये हिमाचल से आया है। मेरी दीदी हैं, बड़ी जिठानी, उन्होंने किसी से मंगवाया था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बीमार होने के बाद बहुत ही ज़्यादा मैं रूह अफ़ज़ा ही पी रही थी, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं पाती थी, सिर्फ लिक्विड पे थी। तो ये मैंने पिया, काफ़ी अच्छा है ये। अब नाम तो इसका मुझे कुछ पता नहीं है, घर में ही बनता है उनके, और हेल्दी भी काफ़ी है। यहाँ मैंने ली है 2 चम्मच चीनी, मैं चीनी थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ, और 3 चम्मच रूह अफ़ज़ा मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब सब कुछ नहीं करना, दूध डालना है और इसको मिक्स करना है, और बहुत ही टेस्टी रूह अफ़ज़ा तैयार। काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है और ठंडा भी होता है पेट के लिए। थोड़ी सी मलाई भी गिर गई है, पर चलता है। मिक्स कर देते हैं इसको। बिल्कुल भी ठंडा नहीं था तो मैंने रख दिया फ्रीज़र में, 5 मिनट बाद मैं निकाल लूँगी, तब पियेंगे। यहाँ पे बन रही है हस्बैंड जी के लिए चाय, वैसे बनानी तो उनके लिए थी पर ज़्यादा हो गई है, अब शायद कनिष्क ले लेगा थोड़ी बहुत चाय। जय हो लड्डू गोपाल की, जय हो केशव की। यहाँ पे नव्या पूजा कर रही है। अभी हम शाम को वॉक कर रहे हैं बाहर, और सब्जी भी लेने जा रहे हैं। ये हमारे घर के बाहर रोड पर ही सब्जी वाले होते हैं शाम के टाइम, दिन में नहीं लगाते हैं, काफ़ी गर्मी होती है। गाइस, काफ़ी रीजनेबल रेट पर भी मिल जाती है, जब बिल्कुल एंड कर रहे होते हैं, सब्ज़ी हटा रहे होते हैं, उस टाइम पर अगर आए। ये छोटे वाले टमाटर हैं, ये हमें 60 देसी टमाटर, वैसे 70 और 80 से नीचे रेट है नहीं।
यहाँ पे हमारे मंदिर के बाहर पंडित जी बूंदी बांट रहे हैं। ये हमारे मंदिर के पंडित हैं किशन भैया। सब्जी लेके हम घर नहीं गए थे, मैं नीतू दीदी के घर पे आ गई और देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। सारी बच्चा पट्टी जमा है। ये देखिए सारे बच्चे यहीं पे जमाए नीतू दीदी के घर पे। वो कनिष्क है, आयुषी, नव्या, नीतू दीदी, ये लड़की को नहीं जानती मैं रेड टी शर्ट में कौन है, कनिका, मानसी, गोलू, मोहित। मोहित की बर्थडे पार्टी का व्लॉग बहुत अच्छा चला था, वही मोहित है ये। गुरुजी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई, तो उसी के लिए हम बात कर रहे थे। काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करना है हमें, गुरुजी कराएंगे। वो बातें करते करते टाइम का हमें पता ही नहीं चला, इन्हें भी नहीं पता था मैं व्लॉग कर रही हूँ, जब देखा तो सब हंसने लगे फिर। बट डिस्कशन इतना ज़रूरी था कि व्लॉग को ही अवॉइड कर दिया इन्होंने। क्या होता है ना, कैमरे के आगे सभी फ्रेंडली नहीं होते। ये नीतू आंटी के यहाँ गुरुजी का दरबार है, बहुत सुंदर है। येलो चोले में जो ये गुरुजी हैं, उनकी सेवा गुरुजी ने हमसे ही कराई थी। जय गुरुजी। दिखाना नव्या दाल कहाँ गिरी है, किसका काम है ये? यहाँ नव्या अपने नाना जी से शिकायतें करती हुई। ये लोग खेलते भी साथ में हैं, फिर लड़ाइयाँ भी करते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, अगर इनके हाथ में फ़ोन दे दो तो बस ये लग जाते हैं सेल्फीज़ में। अब आई उन्हें देख लिया, मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी घर आ चुके हैं हम लोग सब्ज़ी लेके। सब्ज़ी भी ज़्यादा ला नहीं पाए हम लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, थोड़ा थोड़ा ही ले लिया। बाकी देखेंगे, 4-5 दिन बाद दोबारा चले जाएंगे। तो सब्ज़ी मैं लाई हूँ, प्याज आ गई, घिया सिर्फ एक लिया था क्योंकि कनिष्ठ तो इतने शौक से खाता नहीं है, मैं और हस्बैंड जी और नव्या ही खाते हैं, तो एक टाइम के लिए बहुत है। फिर एक टाइम की सब्ज़ी दोबारा कोई जल्दी खाता भी नहीं है। और भिंडी ली है और टमाटर थोड़े थे, थोड़े और ले आए हम लोग। टमाटर भी 80 रुपीज़ केजी मिल रहे थे पर हमें ये 60 मिले, थोड़ा लेट जाते तो और कम मिलते। और अदरक, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि गर्मी हो रही है, मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ, बट अदरक के बिना चाय में टेस्ट नहीं आ रहा, तो थोड़ी थोड़ी यूज़ कर लेंगे। तो ये कुछ सब्ज़ी लाए थे। भाई सब्ज़ी लाने के बाद इतना ज़्यादा थक गई मैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर किया, हमने बहुत इन्जॉय किया और आते आते टाइम का ही पता नहीं चला। इसीलिए जल्दी से हाथ मुँह धोए मैंने, कपड़े चेंज किए और मैं डिनर बनाने में लग गई। टमाटर प्याज की सब्ज़ी बनाई मैंने, वही जल्दी बन सकती थी। और रोटी बनाई मैंने, कनिष्क ने और नव्या ने डिनर कर लिया था, उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। और अभी 12:30 बज रहे हैं, मैं दोबारा से उठी हूँ, हस्बैंड जी आने वाले होंगे तो उनके साथ मिलकर ही व्लॉग एंड करेंगे। मैं तब तक बना लेती हूँ उनके लिए रोटी, क्योंकि उनका फ़ोन आ चुका है और वो आ रहे रास्ते में ही है। तो गाइज अभी बज चुके हैं 1 और हस्बैंड जी भी आ चुके हैं। हेलो। अच्छा किया मैं सो गई थी खाना खाने के बाद, फिर से उठी थी दोबारा। और अब मैं जल्दी से इनके लिए रोटी बना देती हूँ और हम कर लेते हैं अब इस व्लॉग को एंड। काफ़ी लंबा हो गया होगा आई थिंक व्लॉग आज का, तो चलिए हस्बैंड जी व्लॉग को एंड कर देते हैं। सभी लोग बाय फैली हो गई है, सॉरी। सभी लोग वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बाय, गुड नाइट। ओए, ओए, देखा हमने।
थंबनेल के लिए तैयारी हो रही है और बच्चों ने इतना शोर मचा दिया है। बेटा हाथ पोंछ ले कन्नू।